हेलो जी, वेलकम बैक टू चल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होकर फुल मेजबल लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। एंड फाइनली भाई वो दिन आ गया है जब हमारी स्कॉर्पियो जाएगी एक लॉन्ग ट्रिप पे। तो भाई स्कॉर्पियो का पहला लॉन्ग ट्रिप होगा, उसके लिए अपने को ना बहुत सारी तैयारियां करनी है। एंड अपने पास ना सिर्फ आज का दिन भी आधा जा चुका है, ऑलमोस्ट भाई एक बज चुका है। एंड भाई अब मैं निकला हूं गाड़ी काम कराने के लिए। तो गाड़ी में मेरे को अलाइनमेंट बैलेंसिंग करानी है, महिंद्रा से इसका जो सर्विस रिमाइंडर वाला है उसको हटवाना, खैर होता हूँ फोन पे बैठवा लूंगा। एंड जो इसकी लास्ट सीट है वो भी रिमूव करनी है। वो क्यों करनी पड़ेगी, किस लिए करनी पड़ेगी, वो भी आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा। इसके अलावा भाई अपने बहुत सारे काम करने, सबसे बड़ा काम होता है भाई पैकिंग करना। पैकिंग करना बड़ा औखा काम है भाई, है पैकिंग करना सौखा नहीं मतलब आसान नहीं भाई, ठीक है। तो पैकिंग करने में बहुत टाइम लगेगा। प्लस एक दिक्कत और है हमारे साथ कि इस गाड़ी का जो 12 वोल्ट है भाई वो है इसके रियर में, आगे कोई 12 वोल्ट है नहीं। तो वो मैंने कवल भैया को बोला है, वो करोल बाग से पोर्टर कराएंगे, वो मेरे पास पहुंचेगा। तो फिर अपन का ये तो समस्या सॉर्ट आउट हो जाएगी कि अपने को दिक्कत नहीं आएगी 12 वोल्ट की, क्योंकि जो मेरा कार इन्वर्टर, जो मैं कार में अपने गैजेट्स वगैरह चार्ज करूंगा तो वो चीज। प्लस अपने को एक चीज और चाहिए, एक चीज नहीं वो तीन चीज चाहिए, क्योंकि एक्चुअली अकेली ये गाड़ी नहीं जा रही है भाई, इसके साथ दो गाड़ियां और भी जा रही हैं, वो भी आपको पता लग जाएगा कौन कौन सी गाड़ियां जा रही हैं। इस व्लॉग में ना मैं आपको वो सारी चीज बता दूंगा, जब आप किसी लॉन्ग ट्रिप पे चलते हो ना आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए गाड़ी का अपना, और क्या क्या चीजें आपको लेके चलनी चाहिए जो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी अगर आपको ट्रेवल फ्री अपना ट्रेवल रखना है तो। बाकी आजकल हर चीज का समाधान है भाई, कहीं अगर फंस भी जाते हैं, मान लो हम भी कहीं चीजें फंस जाएंगे तो समाधान हम भी वहां ढूंढ लेंगे। तो भाई ट्रिप को मिस मत करना, और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस टाइम तक तो हम भाई निकल चुके होंगे, लेकिन सारे लाइव अपडेट्स आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। जी हाँ, इस बार पूरी कोशिश करूंगा मैं इंस्टाग्राम पे पूरा लाइव रहूंगा भाई, पूरी लाइव आपको देता रहूंगा अगर नेट ने साथ दिया तो। हम जा रहे हैं बाहर मजे लेने के लिए, लेकिन बारिश भाई यहीं पे स्टार्ट हो रखी है। खैर कोई बात नहीं, एक बार तो हमारा ट्रिप पोस्टपोन हो चुका है, अब हम नहीं करेंगे। सबसे पहले आया था भाई मैं हांगकांग बाजार में, क्योंकि यहाँ से सबसे पहले मेरे को लेने थे अंडीज, ये जरूरी है भाई। वहाँ ठंड में नहाए या नहीं नहाए, अंडीज डेली चेंज होनी चाहिए, है ना, जरूरी है। तो अपने 56 मार्केट के काम थे भाई, वो भी अपन ने कर लिए, किसका बस ये बाकी है सर्विस रिमाइंडर। अरे मैं सोच ही रहा था कि तू आया क्यों नहीं, तेरे को मैं भी गायब करता हूँ। इसका बस छोटा सा सिस्टम है ये एंटर वाले बटन से, इसको भी करते हैं ठीक। भाई बंदा अपने काम तो कर लिए पर इस जाम से मुक्ति कैसे पाए है, भयंकर जाम है भाई सारी सिग्नल लाइट्स पे। एंड भाई होएगा क्यों नहीं भाई, स्कूल की जो छुट्टियां जो हो गई है, सारे स्कूल में छुट्टियां होंगी भाई, स्कूल बस रोड पे अभी आ जाएंगी। 2:30 बजे का टाइम हो गया, बताओ यार चार काम हुए अभी तक, कम से कम 20 काम करने हैं, वो कहते नहीं है 20 काम पेंडिंग पड़े हैं। तो जी पहुंच गए जी माफिया पर, आप हो गए विक्रम भाई, अभी बारिश में क्यों दुलवा रहे हो? अभी भाई अभी नहीं दुलवाऊंगा, अभी तो जस्ट एक काम के लिए आया हूँ। ये हमारे महाराज है ना, ये खड़े ऑरेंज टी शर्ट वाले, इनके साथ कहीं काम जाना है। एक्चुअली जो पीछे बंदा आ रहा है उसको तो देखो ही देखो, उसके पीछे एक PM दिख रही है। क्या हाल है? बहुत बढ़िया महाराज, ठीक हो? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। बारिश में वो देखो गाड़ी दिख रही है आपको, जो गाड़ी आपने भी निकाली है, उसको पायलट करने जा रहे हैं भाई वो गाड़ी एक बार ना अभी कुछ काम के लिए जा रही है, एक बारी उसकी लाइट्स वगैरह की सेटिंग के लिए, तो इसीलिए भाई वो बगैर लाइट के है, तो उसको एस्कॉर्ट नहीं, उसको पायलट करना जरूरी है। जाने में हम साथ भी जा सकते थे लेकिन भाई टाइम की थोड़ी सेविंग करनी है, तो जाकर जब तक वो काम करा के वापस यहाँ आएगा तब तक मैं अपनी गाड़ी के कुछ और काम भी करवा लूंगा ना भाई। लग तो सोनी रही है गड्डी, है ना, बाकी अभी कम्प्लीट हो जाने दो भाई, फिर देखना गड्डी और भी सोनी लगूगी। वाह जी वाह, नवे लोगो, नवी लाइट, नवे बम्पर, नवे टायर, नवे अलॉयज, राहुल को तो मैं दिल्ली छोड़ा है, वो अपना काम करवा रहा है, अब लाइट लग जाएगी फिर तो वापस आराम से आ जाएगा, फिर कोई रोक टोकेगा है नहीं। बारिश भाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। एंड भाई यहाँ अपने टायर्स के ना सबसे पहले कराएंगे हम बैलेंसिंग, बैलेंसिंग करा के फिर इनकी कराएंगे क्रॉसिंग। क्रॉसिंग जैसे ये वाला टायर चला जाएगा उस तरफ, वो वाला टायर आ जाएगा इस तरफ, और ये वाला चला जाएगा, मतलब चारों टायर से ना आपस में क्रॉसिंग हो जाएगी और ये फिर ना बराबर ही घिसेंगे। तो हर 10,000 पे भूलना मत अपनी गाड़ी के टायर्स की क्रॉसिंग आपको करवानी ही करवानी है, नहीं तो क्या होगा वो अभी बताता हूँ क्या होगा। इसकी फेंडर लाइनिंग में इतनी जगह है, गाड़ी गाड़ी उठे जा रही है जैक से, टायर अभी तक उठना स्टार्ट ही नहीं हुआ। देख लो भाई अपनी गाड़ी कितनी हम लिफ्ट कर सकते हैं, मतलब टायर बड़ा डल सकता है, मतलब ये चीज बता रही है गाड़ी कि तू मुझे लिफ्ट करा ले। अभी नहीं कराऊंगा, कराएंगे इस पर पूरी R&D करेंगे तब कराएंगे भाई। अब देखो इतने में ये हुई है, और इसका अप्रोच एंगल देखो फ्रंट वाला कितना गजब का हो गया, इसको वो ऑफ रोडिंग टाइप की लुक दे दो क्या आगे से, जैसे इसका फ्रंट वाला बम्पर वम्पर चेंज के। भाई कमेंट बॉक्स में बताना जो भाई ये कहेंगे ना जाए, इस सिर्फ इस चीज़ के लिए भाई मेरे को तुम 1000 नहीं चलो 800 कमेंट कर देना, फिर मैं इसको आगे से फ्रंट ऑफ रोडिंग वाली किट बनाऊंगा। तो हमारे चारों तरह के गाड़ी के पर एक समस्या होगी, समस्या वहाँ नहीं हुई, समस्या यहाँ हुई कि मैं इसकी LN की लाना भूल गया भाई। अभी भाई और ढूंढ रहे हैं इसका प्रॉपर साइज,
तो ये चीज मेरे को ध्यान रहेगी कि मेरे को चलते हुए एलन की भी डाल के लेके चलनी है। ये कैप नहीं खुलेगी तो बैलेंस कैसे होगा, बगैर उसके तो बैलेंस नहीं हो सकता ना भाई। पर घबराने की जरूरत नहीं है भाई, मिल गई एलन की अपनी। ये जो मैं किट रखता हूँ छोटी सी, इसके अंदर अपना छोटा पाउच में सामान रखता हूँ, इसमें एलन की मिल गई। याद आ गया मेरे को यार, मैंने कहीं ना कहीं तो एलन की रखी थी, ऐसे तो नहीं हो सकता। दो एलन की आई थी इसके साथ में, तो एक मैंने घर पे रख दी थी, एक मैंने गाड़ी में रख दी थी। अभी हो रही है भाई अपने गाड़ी के टायर की बैलेंसिंग, एंड ये वाला जो होता है ना भाई लीवर, ये इसकी लेंथ, ब्रेड, हाइट, ये सब कुछ नापता है कि टायर कितना छोटा, मतलब अलॉय होता है ना, कई बार होता है 7.J जैसे कंपनी से आता है, 10.J, 12J कितना छोटा है, एंड 20 इंच का है, और टायर साइज का सब डाल के अब मशीन को वहाँ पे घुमा दिया। अरे पीछे हट जाऊँ, हाँ छीटे मारेगा भाई ये। हाँ तो भाई देखो, जब एक तरफ से बैलेंस हो जाता है ना तो एक तरफ 0-0 आ जाता है, तो अब खाली अंदर की तरफ और 35 ग्राम वेट आएगा। लो जी अपना दोनों चीज ओके ओके होगी, ज्यादा वेट लगा नहीं, तो जिस टायर के अंदर कम वेट लगेगा वो हमारा आगे की तरफ रहेगा, है ना भाई। जिसमें ज्यादा वेट हो जाता है, कई बार हो जाता है भाई टायर ज्यादा वेट मांग लेता है, तो वो टायर हम पीछे कर देंगे। एंड भाई आई है थार, पहले हमारे पास भी ये वाली थार होती थी, तो इस थार के अंदर कैम्बर नहीं होता ना, सिम डलती है ना इसमें सतीश भाई, हमारी वाली में भी एक दो बार सिम डली है, याद है मेरे को भाई। सिम वो मोबाइल वाली सिम नहीं भाई, ऐसा ना एक छोटी सी पत्ती होती है यू टाइप की, कैम्बर के एडजस्टमेंट के लिए। अब कैम्बर क्या होता है भाई, अब जो गाड़ी की बैलेंसिंग होती है जो हम ये कर रहे हैं वो होती है भाई, गाड़ी वोबल ना करे भाई, हाई स्पीड जा रहे हैं, गाड़ी कांप रही है, स्टीयरिंग ऐसे कांप रहा है, उसके लिए। और अलाइनमेंट की जाती है किस चीज के लिए, कि गाड़ी टायर ना खाए। अब अलाइनमेंट खाली अलाइनमेंट नहीं, कि लेफ्ट राइट चेक करना है, कैम्बर भी देखना पड़ता है, कैस्टर भी देखना पड़ता है, कई चीज देखनी पड़ती है। और अगर आपकी गाड़ी का कैम्बर आउट हो जाएगा तो पता क्या होगा, गाड़ी या तो अंदर से टायर खा जाएगी या बाहर से टायर खा जाएगी। क्यों सतीश भाई ये होता है, क्योंकि टायर की जो पोजीशन है वो सीधी रहनी चाहिए ऐसी। अभी जब हम अलाइनमेंट करें तब आपको बताऊंगा, या तो वो यूं हो जाएगा टायर या वो यूं हो जाएगा, तो वो दोनों सिचुएशन में अगर दाएं बाएं हुआ, देखो एक तो स्ट्रेट होना तो ऐसे ऐसे तो ठीक है, लेकिन यूं यूं होना में भी बड़ा फर्क है भाई। वो जो भाई कहोगे विक्रम भाई क्या तुम ऐसे ऐसे इशारे कर रहे हो, तो जब गाड़ी में अलाइनमेंट करें ना तब आपको समझाऊंगा। अब ऐसे अपने बाकी के तीनों टायर भाई बैलेंस हो जाएंगे, और इन टायर्स के ऊपर लिख दिया कौन सा टायर आगे लगेगा पीछे लगेगा, वही तो क्रॉसिंग होती है ना, कि मतलब आगे वाला पीछे वाला आगे ऐसे क्रॉस में, तो इससे क्या होगा चारों टायर बराबर घिसेंगे। लो जी अपने स्कॉर्पियो की बैलेंसिंग तो होगी, स्कॉर्पियो की नहीं, स्कॉर्पियो के टायर की बैलेंसिंग होगी। अब नंबर है अलाइनमेंट का, तो भाई अब ऐसे अलाइनमेंट गाड़ी की चेक करी जा रही है। पहले एक बार ना सारे नट टूट जो थे नीचे जाके टाइट ट्विट कर लिए, हाथ मार लिया, मतलब लेफ्ट राइट कम ही भाग रही है। अभी 5000 किलोमीटर पहले तो मैंने चेक कराई थी, उसके बाद कुछ खास रफ रूफ चली है नहीं। हाँ लद्दाख से आने के बाद अलाइनमेंट जरूर आउट मिलेगी इस गाड़ी की। कितने आउट है सतीश भाई, है ज्यादा नहीं है, ठीक है लद्दाख से आने के बाद मिलेगी ज्यादा, वहां से आने के बाद तो पक्का आउट मिलेगी। आते ले आऊंगा, नहीं तो मैंने पता है टायर खा जाएगी, कोई ना कोई साइड खा जाएगी। हाँ तो भाई आप भी ध्यान रखना, जब भी आप कभी ऐसे रास्ते पे जा रहे हो ना, जिन रास्तों पे आपको लगता है कि भाई गाड़ी खूब खड्डों वड्डों में जाएगी, क्योंकि वैसे भी गाड़ी का हमारे जो टायर्स हैं भाई थोड़े से लो प्रोफाइल है, तो सिचुएशन में भाई हमारे को करना पड़ेगा इस चीज़ का। अब ये भाई ऊपर से हो जाएंगे, इसमें नीचे घुसने की जरूरत नहीं पड़ती, ऊपर ही रखी एडजस्टमेंट इसकी, और सिंगल एडजस्टमेंट है इसमें। तो भाई कैम्बर क्या होता है सतीश भाई आप बताओ, मैं तो बताता ही हूँ, जब ये टायर यूं यूं होता है ना, टायर की जो खड़ी पोजीशन होती है ना, टायर की खड़ी पोजीशन, हाँ अंदर बाहर होता है जो, हाँ वो होता है कैम्बर, हाँ ये चीज होती है अलाइनमेंट, ये अलाइनमेंट होती है। लो भाई सतीश भाई ने बता दिया हमारे को, खैर मेरे को तो पता ही था, मैं आप सबको बता रहा था। तो ये चीज सीधी, ये सीधा होना बहुत जरूरी है, और इधर इधर भी जब टायर सही चलेगा भाई। भाई आज टेस्ट ड्राइव पे मैं नहीं जाऊंगा सतीश भाई के पास, सतीश भाई तो क्या करता है गाड़ी भगा के हाथ छोड़ देता है कि लेफ्ट राइट भाग रही है, मम्मा अपने आप ही टेस्ट ड्राइव कराओ इसकी, जो भी करके आनी है मेरे को तो ओके करके दे दो फटाफट बस। लो जी अपनी अलाइनमेंट बैलेंसिंग कंप्लीट, अपनी नहीं भाई गाड़ी की। एंड कितनी कॉस्टिंग आई भाई टोटल, जो बिल बना अपना बना था भाई 1530 रुपए का, ठीक है। इसमें अपनी अलाइनमेंट बैलेंसिंग क्रॉसिंग सारा कुछ आ गया भाई, कंप्लीट आ गया इसमें। एंड भाई बहुत बढ़िया अलाइनमेंट बैलेंसिंग होती है यहाँ पे, सारा स्टाफ भी बहुत बढ़िया। एंड भाई जब मालिक बढ़िया तो भाई स्टाफ भी सारा बढ़िया ही होगा ना, सब मिल मिला के बहुत बढ़िया काम करते हैं यहाँ पे। तो अलाइनमेंट बैलेंसिंग तो भाई मैं कहीं भी चला जाऊँ मेरे को ट्रस्ट यहीं पे है भाई, महादेव वालों के पास ही अपना ट्रस्ट आता है। तो भाई गाड़ी को तो मैं वॉश पे छोड़ा यार, अपना अंगूठा ठीक करा लूँ भाई, शाहनवाज को भाई फोन करके रोका है मैंने कि भाई रुक जा प्लीज अभी मत जाना। तो क्या टाइम हो गया, ऑलमोस्ट भाई बज गए कितने, 8 बज गए भाई, 8 बज गए, पता नहीं अब कितनी देर और लगेगी। अरे जमुना भी आया मेरे साथ, क्या हाल है, मतलब आज ना गाड़ी की डिलीवरी कहाँ से हो रही है, मतलब गोल्फ कोर्स रोड से हो रही है, आज माफिया से नहीं हो रही है, आज कॉफी डिलीवरी हो रही है। ऐसा है ना अब हम जाएंगे तो भाई हमारे को काफी दिन बाद हम भाई मिलेंगे, तो भाई के रिलेटिव आए हुए हैं, भाई को भी जल्दी जाना है, कोई बात नहीं 2 मिनट बातें करते हैं फिर चलते हैं। तो भाई गाड़ी में फ्यूल हो गया है बिल्कुल डाउन, रेंज बची है सिर्फ 22 किलोमीटर की, तो भाई इतना इंतजार तो मैं करता ही नहीं आज, तो भाई काफी इधर उधर लगा ही रहा, हम एक साथ ही फुल कराएंगे। तो अभी यहाँ पे करा लेते हैं अपना टैंक फुल,
अपना नहीं इसका, आप मेरी स्कॉर्पियो एंड का। तो जी गड्डी में आ गया 50 लीटर 4550 रुपए का। लो जी टैंक हो गया फुल, ट्रिप ए को कर देंगे जीरो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा भाई हमारे को, क्योंकि जो इसके ट्रिप ए ट्रिप बी कभी भी जीरो हो सकता है। तो भाई 9965 पे हमने इसका टैंक फुल कराया। तो भाई इसी चीज पे लूंगा, हवा चेक कराने जरूरत है नहीं, क्योंकि हमने अलाइनमेंट बैलेंसिंग जब कराई थी उस टाइम पे हमारी गाड़ी की हवा बिल्कुल हमने टिंच टॉप करा ली थी, टिंच टॉप 32 हवा रखी है भाई। भाई गाड़ी वॉश तो होके कंप्लीट घर आ गई, एंड इसमें एक चेंज और भी है, जो अपनी ये सीट है थर्ड रो की, इसको हमने रिमूव करा लिया। इसको अब उठा के अंदर रख देंगे, अभी ये लॉक पे फंसा रखे ना इसलिए हिल नहीं रही है। तो जस्ट जैसे लॉक खुल करेंगे, ये देखो पूरे नट ना इसके लूज करा लिए मैंने, तो अब इसको उतार के अंदर रख देंगे। अपने पास ना पूरी भरपूर जगह हो जाएगी लगेज के लिए, और लगेज तो भाई इस गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा आएगा। और पानी अपना भाई आ चुका है, ये 6 पेटी अपनी पानी की रखी, ये अकेली अपनी गाड़ी के लिए नहीं है भाई, अपने साथ 2 और गाड़ियाँ भी जा रही हैं, एक स्कॉर्पियन और जा रही है एंड एक एंडेवर जा रही है, तो टोटल 3 गाड़ियाँ जा रही हैं। 2 सामान और मैंने मंगाए हैं, वो भी ऊपर चल के आपको दिखाता हूँ। सारे काम हो गए, बस रह गया अपना बैग पैक करना, वही करना है। एंड भाई कुछ एक घंटे बाकी हैं, शायद ही आज सोया जाएगा भाई, सोया ही नहीं जाएगा, मतलब काम में, मतलब लगेज पैक करने में ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे तो उसमें लग जाएंगे। और जो 1.5 घंटा लगने वाला है ना भाई पैकिंग को, तो भाई कोई वो 2-4 दिन की ट्रिप नहीं है, 10 दिन से ज़्यादा की ट्रिप है। एंड आपको बहुत सी अच्छी चीज़ें दिखाएंगे, एंड प्रॉपर सीरीज वाइज दिखाऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा, जैसे गाड़ियों की नॉलेज हम प्रॉपर देते हैं ना अच्छे से, ऐसे आपको ट्रैवल की देंगे। देन फिर जब हम ये चलेंगे, उससे चलने से पहले ये वीडियो एडिट करनी पड़ेगी। भाई जो सामान आया है ये हमारा ब्रूट फोर्स का, हम वॉकी टॉकी इस बार यूज़ करेंगे, ये मैंने 3 मंगा लिए भाई ऑलरेडी, और ये हमारे कार में भी चार्ज हो जाएंगे, एंड ये हमारे अडैप्टर भी इसके साथ में। एंड ये लाइट मंगाई है भाई मैंने, ये मैग्नेटिक लाइट है, ये हम कार में यूज़ करेंगे। एंड ये हमारा कवल भैया ने भेजा है भाई, क्योंकि हमारा 12 वोल्ट पीछे है ना, उसको आगे लाने के लिए। एंड ये 2 केबल ये मैंने पोर्टर से भैया से मंगवा ली थी। और इन सारी चीज़ों की भाई परफॉर्मेंस कैसी रहेगी वो तो आपको ट्रिप के दौरान पता लग ही जाएगा। एक चीज़ रहेगी हमारी गाड़ी पे, नंबर प्लेट, कोई बात नहीं, ट्रिप शुरू होने से पहले आपको वो भी मिल जाएगी। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाबा टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। जो नॉर्मली अपने वीडियो तो शाम को 5 बजे आते हैं, अब वो 5 बजे की बजाय मॉर्निंग में आया करेंगे भाई, 10:30 to 11 के अराउंड, ठीक है जी। अब करते हैं गुड नाइट, आप सो जाइए, मैं तो अभी जागूंगा भाई, काम करना। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, टिल देन गुड नाइट, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट।